नाजिन कंबच में मुस्लिम लीग नून के कारकुनन अगुणे वजीर आजम नवाज शरीफ की आजादी ला एहतजाज कयो आहे। पेश आहे हफीज मंगी जी ही रिपोर्ट। प्रिंसिपल भैया मौजूद है नून लीग के अगवान जो अगुणो वजीर आजम नवाज शरीफ हो उनकी गिरफ्तारी उनके जेल में होने कर उन खिलाफ़ अच्छी सराफा एहतजाज अच्छा जो इतने नून लीग के अगवान इंतकाम इंतकाम आखिर पीपी और नून लीग जो शो इंतकाम थे तो उन जनरल जो थे जी मशरफ के रूप में जे यहा रूप में के अयूब के रूप में जे करोड़े अरबे रुपया खाई वह उन जनरल जो थे जे मुल्क से बाहर भाजी वह पर छो मुल्क के अंदर जैसे रहा तो ब लीडर रहा एक जुल्फकार अली भुट्टो बो नवाज शरीफ साहब जो को भी डोह को आवाम के सामू आ मियाँ साहब असें सब का पैं तो मुल्क में अमुन दिनों उन बाद में सस्ाई दिनी आवाम ला मियाँ साहब की जहाँ हुकूमत आवाम ही भाई मियाँ साहब असें अमुन दिनों पाकिस्तान में असें रोड रस्ता दिना असें हर एक शे हर एक सहूलत दिनी दहशतगर्दी जो खात्मो किया मियाँ साहब इन बर्दाश्त न तो थेस पो एहतजाज जो जैमें शिरकत कर कवरेज दिनी लेकिन अफसोस से चवण तो पे असा जो इन वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मियाँ साहब से जी मुसीबत आई है यह एक नवाज शरीफ के सिर्फ फैमिली से ना बल्कि एक जमहूरियत के खत्म करो अंदाज है एहतजाज मकसद हो तो इंसान के नाते जैसे मियाँ साहब से कोई डोह वगैरह जुर्म साबित थी ना सको पर पुतः के बावजूद कोर्ट लखपत जेल में कैद असो मुतालबो यो है इंसान के नाते जैसे आज़ाद ना कर तो इलाज ला तो आज़ाद कर इन धरने में मौजूद कारकुन अगवान जो चवण है तो पीटीआई हुकूमत नवाज शरीफ खिलाफ हथ डो क्या केस हड़ी कर जेल में बंद किया है जी इंतकामी कार्रवाई खत्म कैमरामैन मंगी से गुड अफीफ मंगी बेराटी मिली।